हेलो फ्रेंड्स आई एम शिल्पी जैन ए सी सी एंड इन टूडेज वीडियो लेट्स आंसर ऑल क्वेश्चन अराउंड दी ए सी सी ए क्वालिफिकेशन तो ए सी सी ए है क्या कौन कर सकता है कब स्टार्ट कर सकते हैं क्यों करनी चाहिए कोर्स करिकुलम क्या है एग्जाम फॉर्मेट क्या है कॉस्ट ऑफ ए सी सी ए क्या रहेगी जॉब्स इन सैलरीज फॉर ए सी सी एस इन इंडिया एंड कंपेरिजन बिटवीन सी ए एंड ए सी सी ए तो बेसिकली इस वीडियो को एंड तक देखना बिकॉज हम ए सी सी ए की फुल कोर्स डिटेल्स डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में तो सबसे पहले शुरू करते हैं विद वॉट इज ए सी सी ए द एसोसिएशन ऑफ चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट्स ए सी सी ए इज अ ग्लोबली रिकग्नाइज अकाउंटिंग बॉडी ऑफरिंग दी चार्टर्ड सर्टिफाइड अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन सिंपल बात में बोलूँ तो जैसे इंडिया में सी ए की क्वालिफिकेशन होती है जो कि आई सी ए आई ऑफर करता है सिमिलर्ली ए सी सी ए इज़ अ ग्लोबली रिकग्नाइज अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन जो कि ए सी सी ए की बॉडी ऑफर करती है ए सी सी ए इज़ अ गोल्ड स्टैंडर्ड अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन ऑफ द वर्ल्ड विच इज़ मोर देन हंड्रेड ईयर्स ओल्ड अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन बिकॉज इसका करिकुलम बहुत रिगरेस है और इसकी रिकिग्नेशन बहुत ग्लोबल लेवल पे एक्सटेंसिव है डैट इज़ वॉट मेक्स दिस अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन अ प्रेस्टिजियस क्वालिफिकेशन फॉर अकाउंटिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल्स अक्रॉस द ग्लोब अब ए सी सी ए बॉडी जब स्टार्ट हुई मोर देन हंड्रेड ईयर्स ओल्ड पहले तो क्यों हुई थी बेसिकली उनका एक ही ऑब्जेक्टिव था और है भी कि हमें वर्ल्ड वाइड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और प्रिंसिपल्स को स्टैंडर्डाइज करना है अब स्टैंडर्डाइजेशन क्यों ज़रूरी था बिकॉज स्टैंडर्डाइजेशन ब्रिंग्स इन ट्रांसपेरेंसी जब ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है बिकॉज अक्रॉस द ग्लोब आप एक ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हो तो ऑब्वियसली देर आर लेस चांसेज ऑफ़ फ्रॉड सिंपल लैंग्वेज में समझाऊं तो जितनी भी ग्लोबल लेवल पे एम हैं अगर वो हर कंट्री में अपनी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से अपने अकाउंट्स प्रिपेयर करेंगे तो जब कंसोलिडेशन करनी होगी उन ग्रुप कंपनीज को तब वो कैसे करेंगे बिकॉज हर कंट्री का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो डिफरेंट है तो जब ऐसा होगा तो डैट लीव्स अ लॉट ऑफ ग्रे एरिया और वो जब ग्रे एरिया आ जाता है अकाउंटिंग में डैट इज़ वॉट कैन लीड टू पोटेंशियल फ्रॉड्स ऑल्सो तो बेसिकली ग्लोबल लेवल पे अकाउंटिंग को सिमिलर करने के लिए आई एफ आर एस स्टैंडर्ड्स को इंट्रोड्यूस किया गया विच दी ए सी सी क्वालिफिकेशन फॉलोज अब ये आई एफ आर एस बेसिकली है क्या इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स जिसकी ड्यूरिस्डिक्शन हंड्रेड एंड सिक्सटी एट प्लस कंट्रीज यूज़ करती हैं जिसमें से हंड्रेड एंड फोर्टी प्लस कंट्रीज में तो मैंडेट्री है टू फॉलो दिस आई एफ आर एस डूरिस्डिक्शन और लिस्टिड कंपनीज अब बात करते हैं कि ए सी सी एस इट्स रिकग्नाइज अक्रॉस द ग्लोब सिमिलरली जैसे इंडिया में हम इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं बट बिकॉज आई एफ आर एस ग्लोबली हंड्रेड एंड सिक्सटी एट प्लस कंट्रीज़ में फॉलो होती है इसलिए ऑब्वियसली ए सी सी ए की डिमांड भी अक्रॉस द ग्लोब बहुत ज़्यादा है अब मैं सिंपल रीजन अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं दैट वाई द ए सी सी क्वालिफिकेशन इज कंसिडर्ड द गोल्ड स्टैंडर्ड इन अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन तो लेट्स लुक एट द बेनिफिट्स ऑफ हाउ दिस कैन बूस्ट योर करियर इन ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव एंड दिस कुड बी योर टिकेट टू सक्सेस एंड यू शुड स्टार्ट योर ए सी सी ए जर्नी एस ए पी सबसे पहले तो ऑब्वियस रीजन था ग्लोबल रेकग्नेशन का जिसकी हमने अभी बात करी प्लस नॉट जस्ट दैट ए सी सी ए हैज़ अवज नेटवर्क अक्रॉस द ग्लोब एज वेल अगर मैं बताऊं तो 2024 में ही इन फैक्ट ए ने 250 फिफ्टी प्लस मेंबर्स का माइल्ड स्टोन अचीव किया है तो यूके यू ए सिंगापुर दुबई इन सभी कंट्रीज में ए के मेंबर्स अक्रॉस द ग्लोब फैले हुए हैं वाई बिकॉज देर इज अ ह्यूज डिमांड For ACCA professionals worldwide. So, when you pursue the ACCA qualification, you become a member of this huge network of 250,000 plus active members, and so you become a member of 500,000 plus future members of ACCA, and that brings in a huge networking opportunity to all of you. अब बात करते हैं द सेकेंड रीजन वाई ए सी सी एज सो मच पॉपुलर दैट इज बिकॉज ऑफ द डायनमिक करिकुलम ऑफ ए सी सी ए एक वर्सटाइल स्किल सेट आपको मिलता है जब आप ए सी सी ए करते हो बिकॉज दैट इक्विप्स यू विद द एवर इवॉल्विंग नीड ऑफ द फाइनेंस एंड अकाउंटिंग इंडस्ट्री फ्रॉम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग टैक्सेशन स्ट्रटिजिक बिजनेस लीडरशिप ऑडिटिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग ए सी सी ए का करिकुलम इतना डाइवर्स है डैट येस यू आर नॉट जस्ट गेटिंग इन टू वन सेगमेंट की मतलब सिर्फ आप एक टैक्स के एक्सपर्ट नहीं बन रहे हो सिर्फ आप एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के एक्सपर्ट नहीं बन रहे हो यू आर बिकमिंग अ फुल फ्लैजड अकाउंटेंट अ प्रोफेशनल जो आगे जाके अपनी नीच सेगमेंट को खुद अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं सो दैट इज़ वट द करिकुलम एंड द डाइवर्स कोर्स ऑफ ए सी सी एफर्स टू यू अब बात करते हैं रिगार्डिंग द करियर एक्सलरेशन दैट ए सी सी ए ब्रिंग्स टू यू बिकॉज इसका कोर्स करिकुलम इतना डायनेमिक है प्लस अगर आपने कुछ बेसिक क्वालिफिकेशंस कर रखी हैं लाइक like अगर आप बी कॉम हो इंडिया में बी कॉम यू कर रहे हो या कर रखी है सी ए कर रखी है या सी ए कर रहे हो

जो कि आपकी प्रेजेंट मेहनत को प्रेजेंट क्वालिफिकेशन की एफर्ट्स को रेकग्नाइज करे और आपको अपस्किल करे देन ए सी सी ए इज द राइट क्वालिफिकेशन फॉर यू नेक्स्ट रीजन अगर बात करूं, तो डैट इज ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ इलीट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दैट ए सी सी अप फॉर यू कहाँ पर मिलेंगी टॉप टीयर फर्म्स लाइक पी डब्ल्यू सी के पी एम जी ईवाई लीडिंग एम एन सीज जिस मर्जी की बात कर लो ऑल ऑफ दी टॉप एम एन सीज अक्रॉस द ग्लोब रेकग्नाइज एंड हायर ए सी सी प्रोफेशनल्स इन फैक्ट ये सभी टॉप ऑर्गेनाइजेशन ए सी सी ए के अप्रूव्ड एम्प्लॉयर्स भी हैं

जैसे सिंपल अगर मैं बात करूं तो अगर आपने फॉर एग्जांपल इंडिया में अगर आपने सीए कर रखी है तो यू नो डैट योर लाइफ इज़ काइंड ऑफ सॉर्टेड राइट आपको जॉब की या प्रैक्टिस की कभी कोई कमी नहीं रहेगी सिमिलरली ए सी सी लाइक अ ग्लोबल सी ए तो जब आपने ये कर ली तो डैट ब्रिंग्स टू यून यू नो डैट ब्रिंग्स टू द टेबल द प्रेस्टिजियस डेजिग्नेशन ऑफ ए सी सी ए टू यू एंड डैट बेक्स बेसिकली द फैक्ट डेट आप कितने ही मल्टीपल देशों की ऑडिट रिपोर्ट को साइन ऑफ़ कर सकते हो जैसे इंडिया में सी ए कर सकते हैं हाँ क्विक वर्ड ऑफ कॉशन य इंडिया की प्राइमरी अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन सी ए है विच मीन्स सी ए क्वालिफिकेशन विच इज एडमिनिस्टर्ड बाई दी आई सी ए आई विच मीन्स कि इंडिया में ऑडिट रिपोर्ट्स को सिर्फ और सिर्फ इंडियन सी ए ही साइन ऑफ़ कर सकते हैं ए को इंडिया में साइनिंग ऑफ अथॉरिटी नहीं है बिकॉज इंडिया की प्राइमरी अकाउंटिंग क्वालिफिकेशन सी ही है हैविंग सेट डैट तो अब आप मुझे बोलोगे कि क्या ए की इंडिया में कोई वैल्यू नहीं है तो इसका मैं डिटेल में आपको जवाब दूंगी इन द लेटेस्ट सेक्शन ऑफ द वीडियो हियर आई एम ओनली जस्ट टॉकिंग अबाउट द मेन पर्स ऑफ गेटिंग इन टू द ए सी सी ए क्वालिफिकेशन तो नाउ लेट मी टॉक अबाउट द नेक्स्ट एडवांटेज

अगर 10 साल पीछे ही देखें तो देअर वर सो मेनी थिंग्स विच वो वी कुड नॉट इवन थिंक ऑफ पर आज की डेट में ऑल ऑफ देम आर वेरी मच इन पार्ट एंड पार्सल ऑफ आर डेली बिजनेसिस ऑफ हाउ वी uh लिव -huh. आर लाइफ बेसिकली ए का डायनेमिक करिकुलम इंश्योर्स डैट यू स्टे अहेड ऑफ़ द कर्व It integrates emerging trends such as sustainability, digitalization, data analytics, AI into the curriculum and thus prepares you to thrive in the ever changing landscape of accounting and finance. It truly stands for its tagline, which says Think ahead.